नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। इस घातक वायरस के लहर के बीच इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 का आयोजन किया जा रहा है। इस सीजन अभी तक 20 मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन पिछले दो दिनों में 4 खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट को बीच में छोड़ दिया है। ऐसे में फैंस के मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 बीच में ही रद्द किया जाएगा। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, निश्चित तौर पर आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। दरअसल आर अश्विन ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी कि उनका परिवार कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहा है और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए वो आईपीएल 2021 से ब्रेक ले रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के एंड्रू टाई, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के केन रिचर्डसन और एडम जैम्पा ने भी बाकी बचे टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। इन सब के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने कहा है कि टूर्नामेंट जारी रहेगा। खिलाड़ियों के नाम वापस लेने के बाद से ये चर्चा होने लगी कि क्या टूर्नामेंट को बीच में ही रोकना पड़ेगा। नाम न बताने की शर्त पर बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, अभी फिलहाल आईपीएल जारी रहेगा, अगर कोई बीच में टूर्नामेंट छोड़कर जाना चाहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।